एससी एसटी ओबीसी भाइयों और बहनों के साथ दशकों तक भेदभाव करने वाली कांग्रेस आजकल एक पुरानी रिकॉर्ड बजा रही है। जब भी चुनाव आता है संविधान के नाम पर झूठ बोलना ये इंडिया अलायंस के सब साथियों की फैशन बन गई है। वो कांग्रेस जिसने बाबा साहब के जीते जी उन्हें चुनाव हरवाया, जिसने बाबा साहब को भारत रत्न नहीं मिलने दिया, जो वो कांग्रेस जिसने देश में आपातकाल लगाकर संविधान को खत्म करने की कोशिश की, आज वो मोदी को गाली देने के लिए संविधान के नाम पर झूठ की आड़ ले रही है। ये मोदी है जिसने देश में पहली बार संविधान दिवस मनाना शुरू किया। ये कांग्रेस वालों ने संविधान दिवस मनाने का विरोध किया था, पार्लियामेंट में भाषण है उनका। क्या बाबा साहब का ये अपमान है कि नहीं है? संविधान का अपमान है कि नहीं है? इतना ही नहीं, ये मोदी है जिसने बाबा साहब से जुड़े पंचतीर्थों का विकास किया।